वेलकम बैक। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर लिंग के बारे में बात करेंगे। लिंग का तात्पर्य है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति अर्थात पुरुष स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। फिर से एक बार, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति अर्थात पुरुष स्त्री होने का पता चलता हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुलिंग, पुलिंग का तात्पर्य है जिससे पुरुष जाति का बोध हो। नर, राजा। और दूसरा जो लिंग होता है वह है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का तात्पर्य है स्त्री जाति का बोध। तो नर के लिए नारी और राजा के लिए रानी। आइए अब हम पता करते हैं कि स्त्रीलिंग और पुलिंग की पहचान कैसे करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम पुलिंग या स्त्रीलिंग पहचानेंगे कैसे। तो सर्वप्रथम हम लोग पुलिंग पहचानने का विधि जानेंगे। देश का नाम पुलिंग होता है, हिंदी महीना का नाम पुलिंग होता है, दिन का नाम पुलिंग होता है, ग्रह का नाम पुलिंग होता है लेकिन पृथ्वी को छोड़कर, पर्वत का नाम, पेड़ का नाम लेकिन नीम और जामुन को छोड़ करके, धातु का नाम, रत्न का नाम, वर्णमाला के अक्षर अ आ क आदि लेकिन ई, दीर्घ ई और री को छोड़कर, निर्जीव शब्द जो अ से समाप्त हो जैसे सागर, वन, ये सब पुलिंग माने जाते हैं। नित्य पुलिंग कुछ शब्द होते हैं जैसे कछुआ, खरगोश, मच्छर, भेड़िया। अब वहीं स्त्रीलिंग शब्द का अगर पहचान करना हो तो भाषा का नाम स्त्रीलिंग होता है, बोली का नाम स्त्रीलिंग होता है, नदी का नाम स्त्रीलिंग होता है, तिथि का नाम स्त्रीलिंग होता है, भोजन का नाम जैसे दाल रोटी सब्जी स्त्रीलिंग होता है, परिधान का नाम जैसे धोती साड़ी पगड़ी आदि स्त्रीलिंग होता है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी कुछ है जैसे मकड़ी, तितली, कोयल, मैना, लोमड़ी आदि। अगर आप इसे ध्यान में रखेंगे तो आपका परीक्षा बड़ा ही आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग का जो चैप्टर है बड़ा ही अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।